बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मैथ। मैथ बुनियादी तौर पर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनता है और बच्चों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किलात पेश आती हैं, और इसके लिए हमें एकेडमी और ट्यूशन का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो दूसरा, मैथ वो वाहद सब्जेक्ट है जो तमाम सब्जेक्ट्स में बुनियादी तौर पर बुनियादी अहमियत का हामिल है। ये सब्जेक्ट हाई क्लासेस में जाके मेरिट और हमारी जो ग्रेड है उसको बनाने में अहम रोल प्ले करता है। बाकी अगर ये मैथ बच्चे को आता हो तो बाकी सब्जेक्ट की नस्बत सबसे ज़्यादा इसमें मार्क्स बच्चे के आ सकते हैं। और फिर मैथ के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आपको पता है यूट्यूब पे मौजूद हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल की वीडियोस निस्बतन कम मिलती हैं। यूट्यूब पे ज़्यादातर लोगों ने हाई क्लासेस की जो मैथ है और वो सब सब्जेक्ट्स हैं उन पे वीडियो बनाई हुई हैं। तो मैंने ये फैसला किया कि चले मिडिल क्लास और प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करके देता हूँ। हम इंशाल्लाह इंग्लिश और उर्दू दोनों टर्म्स यूज़ करेंगे मैथ करते हुए, और बुनियादी तौर पर जो हमारे 5 ग्रेड का मैथ है उसमें 9 चैप्टर हैं, उन सब में से जो बुनियादी और अहम एक्सरसाइज हैं वो इंशाल्लाह एपिसोड वाइज हम सारी हल करेंगे। मैथ में मेरे पास है 5 क्लास का मैथ। इसमें जो सबसे पहली एक्सरसाइज है 1.1, उसमें बुनियादी तौर पर रकम लिखने का तरीका बताया गया है। ये इससे 4 क्लास के और 6 क्लास के बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 क्लास के भी तो है ही। तो इसमें रकम लिखने का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले ये एक मुश्किल चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को समझना चाहिए। रकम लिखने का बुनियादी तौर पर 2 तरीके हैं, एक डेसिमल सिस्टम, अशारी निज़ाम जिसको हम कहते हैं और हमारे यहाँ मुकामी तौर पर ये राइज है, और दूसरा मिलियन मिलियन सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम है और हमारे यहाँ बैंकिंग में मोस्टली यही इस्तेमाल होता है। तो मिलियन मिलियन सिस्टम में नंबर्स यानी रकम लिखने का तरीका हम आज सीखते हैं। तो मिलियन मिलियन सिस्टम में सबसे पहले इसके 4 पोर्शन होते हैं। ये जहन में बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट बच्चों के होना चाहिए कि इसमें चार पोर्शन है। चार पोर्शन में पहला है हमारा हंड्रेड्स का, और फिर थाउजेंड्स, और फिर मिलियन और बिलियन। इन 4 क्वेश्चंस में 3-3 डिजिट्स होते हैं, यानी वंस, टेंस और हंड्रेड्स। इसको वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद कॉमा, और फिर उसी तरह वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर कॉमा, और फिर वंस, टेंस, हंड्रेड, कॉमा, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो ये जो एक स्केल बन गया है इसको जहन में अपने अच्छी तरह के 4 पोर्शन और हर पोर्शन में फिर 3-3 डिजिट्स हैं, क्योंकि जो 3 डिजिट्स हैं इसमें वंस टेंस हंड्रेड या हंड्रेड टेंस वंस इस तरह पढ़ लेंगे तो जरा थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी और ये ज्यादा देर तक चीज याद रहेगी। हंड्रेड टेंस वंस, हंड्रेड टेन वंस और हंड्रेड टेंस वंस। तो जब हम कोई रकम लिखते हैं तो उसका मसलन ये पहला ही क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज क्लास 5 का, 23 मिलियन। तो 23 मिलियन ये पहले 2 नंबर जो है डिजिट में आ जाएंगे, 23 मिलियन। और उसके बाद चूंकि मिलियंस वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए अब उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे।
उसके बाद 123,000, 123,000 ये थाउजेंड के पोर्शन में आएंगे और तीनों डिजिट पूरे हो गए हमारे 10, 100, 10s और 1s का। फिर इसी तरह उसके बाद है 405, तो 405, तो 100 के नीचे 4 आ जाएगा और 10s में चूंकि कुछ नहीं है तो इसलिए 0 आएगा और 1s में 5 आएगा। तो जब हम इस तरह से कोई भी नंबर्स लिखेंगे तो इस तरह से शुरू करेंगे तो हमारे जहन में ये पूरा नक्शा जहन में रहना चाहिए। तो ये हमने सीखा बिलियन बिलियन सिस्टम में इन फिगर्स नंबर लिखने का तरीका। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए मैंने आसान पैराए में बच्चों को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसका वो समझाने की कोशिश की है कि आप इस बात को याद रखें कि इसके मिलियन बिलियन सिस्टम में टोटल 4 पोर्शन है और हर पोर्शन में 3-3 डिजिट है और उनको आप अगर इस तरफ से याद कर लें तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। 100, 10s, 1s, तो यही 3 हर पोर्शन में है, 100, 10s, 1s, 100, 10s, 1s और 100, 10s, 1s। जब कोई भी बोलने वाला रकम बोलता है लिखने के लिए, असल में ये बुनियादी चीज है मैथ, फिर आगे आसान हो जाएगा अगर ये बुनियादी कंसेप्ट आपका इस पे क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी लिखते वक्त रकम गलत लिखी गई और कोई डिजिट इधर उधर हो गया या उसमें से मिस हो गया तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, वो एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का होगा तो बाकी सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपने जब नंबर लिखने हैं तो ये प्रॉपर सही दुरुस्त तौर पर बगैर किसी मिसिंग के लिखे जाए। और दूसरा इसमें जो प्लेस वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाता है कि हर डिजिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू है। वो डिजिट बेशक ये 3 है लेकिन इसकी अहमियत उसकी प्लेस की वजह से है, उसकी वैल्यू उसकी प्लेस की वजह से है, उसकी जगह की वजह से है, वो कहां पर लिखा गया है। ये 1 बेशक इससे छोटा है, रकम 1 है 3 की निस्बत, लेकिन इसकी प्लेस की वजह से इसकी वैल्यू इस 3 से कहीं कई गुना ज्यादा है। ये 3000 की प्लेस पे है, 3000, और जबकि ये 1 जो है वो 100,000 की प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू 100,000 होगी और इसकी वैल्यू सिर्फ 3000 होगी। तो इससे प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। और दूसरी चीज जो बड़ी अहम है और याद रखने वाली है वो ये कॉमे हैं, जो हम कॉमा लगाते हैं वो इसमें बड़ा आसान है कि हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आना है, फर्स्ट 3 डिजिट एंड अगेन सेकंड 3 डिजिट्स और अगेन थर्ड 3 डिजिट्स, उसके बाद ये कॉमे अपनी अपनी प्लेस पे आने हैं। और फिर एक और रकम हम लिखते हैं 340 मिलियन, तो जाहिर है मिलियन के पोर्शन में रकम लिखी जाएगी 340 मिलियन, उसके बाद 365,000 और 901, इसमें फिर अगेन उसी सीक्वेंस से रकम है कि 340 मिलियन। तो याद रखें जब मिलियन बोल दिया साहब तो लिखना 340 है, इजी है, 100 तक जाना है सिर्फ, लेकिन लिखना इसको मिलियन के पोर्शन में है। और जब हमने 340 मिलियन लिखा तो जहन में हमारे लाशौर में ये बात होनी चाहिए कि इसके बाद 2 पोर्शन 3-3 डिजिट के और हैं और वो है 1000 का और 100 का, ताकि हमें पता हो इसके बाद हमने 6 डिजिट और लिखने हैं। तो 340 के बाद 365,000,
1000 के डिजिट लिखने के बाद पहला उसका 100 का पोर्शन है और उसमें 901 टेंथ में फिर कोई चीज नहीं है तो वहां पे जीरो लिखा जाएगा और 901 इस तरह से ये रकम कंप्लीट हो गई। और इस रकम की प्रैक्टिस करते वक्त जरूरी है कि हम इस नंबर्स में और फिगर्स में इस तरह रकम को लिखने के बाद इसको वर्ड्स में भी लिखें। वर्ड्स में जब हम लिखेंगे उससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और वर्ड्स में लिखी हुई रकम को हम फिगर्स में भी आसानी से लिख सकते हैं। तो जब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो वो फिर आपको पता है आसान है कि इसके स्पेलिंग के साथ उसको लिखना है 340 million 365,901। तो आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें वर्ड्स में भी लिखे हुए सवाल उनको आपने फिगर्स में लिखना है और इसी तरह नंबर्स में लिखी गई है रकम तो उसको आपने वर्ड्स में लिखना है। दोनों तरह से करें और मैथ का ये असूल है कि बात को समझने के बाद उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मैथ में दिलचस्पी पैदा होगी और मैथ आएगा। जो बच्चों को पूछा जाता है किसी वक्त कि आपका पसंदीदा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो आमतौर पर बच्चे कहते नहीं, जो बच्चे कहते हैं मैथ हमारा फेवरेट है इट्स मीन उनको मैथ में दिलचस्पी होती है। वो मैथ में दिलचस्पी क्यों होती है? इसलिए कि मैथ उनको समझ आता है, मैथ को अंडरस्टैंड करने में उनको मुश्किल पेश नहीं आती, तवज्जो के साथ सुनते हैं समझते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। और जिन बच्चों को मैथ बड़ा बोरिंग और मुश्किल लगता है और बोरिंग लगता है और उससे जान छुड़ाते हैं जान बचाते हैं तो इसमें उनको मैथ समझ में नहीं आ रहा, मैथ की प्रैक्टिस नहीं करते और मैथ को समझने में उनको मुश्किल पेश आती है तो ये रीजन होती है। बड़ी क्लासों में जाके ये मसाइल होते हैं। अगर प्राइमरी लेवल पर बच्चे मैथ को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को तो फिर आगे मिडिल और मैट्रिक और फिर बालाजा हाई एजुकेशन में हाई क्लासेस में उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगी। तो मैं कोशिश करूंगा इसी तरह मेहनत के साथ बच्चों को आसान किराए में समझाने की कि 5 क्लास के जो बच्चे हैं और फिर प्राइमरी लेवल के उनको मैथ के कम से कम जो है वो इन दिनों में मैं मुख्तलिफ वीडियोस में उनको ये सारा जो है वो कंप्लीट करवा दूँ। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बस ठीक है।